जी मसीह मुस्लिम साहब ने नीचे हंगामा खड़ा किया था, मैंने कहा चलो पर्सनालिटी इनको ले है। लेते हैं। जी अलामा साहब आप कुछ फरमा रहे हैं? ये रैशनैलिटी कहना आसान होता है जब जी मैंने कहा रैशनैलिटी पता चलता है रैशनैलिटी क्या चीज है। वो फिर रैशनैलिटी आई डोंट नो नहीं होता, रैशनैलिटी ये होता है कि आप अपनी अकल को मेयार बनाते हुए परखें और फिर एक चीज को एक चीज देखिए। एक चीज इन्होंने ये बना आई है कि मान वाली जुमले से ना बड़ा भागते हैं ये ना, ये मानना नहीं है। फिर मेरे भाई जब इस्तदलाल दलील लेकर आ रहे हैं प्रूफ कर रहे हैं एविडेंस दे, कैसे हो सकता है कि आपको प्रूफ किया जा रहा है आप कहें मैं मानूंगा नहीं, चूंकि मानना जो होता है वो फिर आगे फंसने के बराबर है। चलेंगे। ठीक जी, हमारे साथ हमारे तो बात ये प्यारे, आगे आगे बात बढ़ाएं। जी, हमारे साथ बहुत ही प्यारे मुस्लिम मसीह मुस्लिम जुड़ चुके हैं जी। अनम्यूट कीजिए सर। वेलकम ब्रदर। अलैकुम, कैसे हैं आप सब? बस वालेकुम सलाम मसीह मुस्लिम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं। ठीक ठाक। क्या हंगामे, किस हंगामे की बात कर रहे हो भाई? तुमने जी मैंने कहा हंगामा खड़ा किया, क्या मतलब? कहा वो आप कमेंट्स में लिख रहे थे ना। हाँ, मैंने तो सिर्फ ये हाँ लिखा है कि मैं 2-3 दफा ट्राई किया, अंदर स्टूडियो में दाखिल हुआ हूँ लेकिन फिर निकल जाता हूँ, पता नहीं क्या हुआ। फिर एनी हाउ, उसको छोड़ो अब। जी जी सब ठीक है? ए बताइए वन। सर। जुल्फकार भाई, अब ये मसीही भाई हंगामों वाले नहीं रहे, उन्हें पता चल गया हंगामों का नतीजा अच्छा नहीं निकलता, अब हंगामों वाले भाई नहीं रह गए, टेंशन ना ले। यार मैंने हंगामा किया कब है यार? क्या इल्जाम नहीं लगा रहे हो मुझ पे? नहीं नहीं, वो मैं तो आपकी प्यार, वकालत वो कर रहा हूँ, मैं तो आपकी वकालत कर रहा हूँ कि अब वो प्यार हंगामों कर वाली रहे बात नहीं हैं, रही मजाक मसीही कर भाई। रहे सारी हैं। वसी भाई मैं भी भी मजाक में ले रहा हूँ, कोई ऐसी बात? अच्छा, हम समझे आपने सीरियस कह दिया। नहीं, मजाक नहीं। जी जी अच्छा देखिए, बात यह है कि एक सूरा है, सूरा 19:33, जी जी उसमें लिखा है पीस। उधर दो ट्रांसलेशन, क्योंकि अरबी जो मैं कमजोर हूँ अरबी में, ट्रांसलेशन में आता है पीस बी अपॉन मी द डे आई वॉज बॉर्न, और एक जगह आ रहा है पीस इज ऑन मी द डे आई वॉज बॉर्न। अब कौन सी चीज सही है, पीस इज ऑन मी द डे आई वॉज बॉर्न, और पीस इज अपॉन मी द डे आई वॉज बॉर्न? एक ही बात है, जी फर्क क्या? नहीं, वैसे जी हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी। जी मैं कह रहा हूँ कि तर्जुमों पे इन्हिसार मुकम्मल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी भी वो पूरा मतलब नहीं पहुंचा सकते जो ओरिजिनल टेक्स्ट का होता है, जुज़ुन कुरान का। ठीक है, वो सलाम अलैया योमा वुलिदतु व योमा अमूतु व योमा उबअसु हय्या, ये आयत है। और जी हाँ, तो इस सलाम है मुझ पर उस दिन जब मैं पैदा हुआ, ठीक है, और उस दिन जब मेरी वफ़ात होगी, और उस दिन जब मैं दोबारा ज़िंदा उठाया जाऊंगा, ये इसका तर्जुमा है। अब आप बताएं क्या इसमें सवाल क्या है? सवाल यह है कि द पी अगर लिख लें कि पीस इज ऑन मी द डे आई वॉज बॉर्न, और पीस इज विथ मी द डे आई वॉज बॉर्न, ठीक है। अब जब हजरत ईसा की पैदाइश पे पीस उनके साथ थी, जी तो फिर ये कहना पीस बी अपॉन हिम, वो एक शिर्क में नहीं आ जाती चीज़? क्योंकि अल्लाह ताला ने जब एक चीज़ मकरर कर दी है कि उन पे पीस होगी, तो अच्छा, इंसान का, एक गुनाहगार आदमी का ये कहना पीस बी अपॉन हिम, ये तो शिर्क हमारे का लिए एक है ना एलिमेंट है। भाई, वो हमारे लिए है, उसकी बरकत हमें मिलती है, नहीं तो हमारे उसकी सराहने हैं नहीं, लेकिन उसको उनको जब हमारी पीस बी अपॉन हिम, वो तो उन्हें, हम ये हमारे कह लिए सकते हैं। जरूरत नहीं है किसी भी नबी को हमारी सलावात की, हमारी हमारी उसकी जरूरत नहीं है, उससे हमें फायदा होता है जब हम उनके लिए दुआ करते हैं, उसका हमें फायदा होता है, हमें उसकी बरकत मिलती है, उसका फैज पीस होता है। बी अपॉन हिम, तो हमें ये कहना चाहिए कि भाई द पीस ही हैड मे दैट बी पीस बी अपॉन अस, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। वो फिर तो हम खुदा क्योंकि उसकी पीस को भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने उन पे डाली है, ये कहने के बाद चले मैं आप पीस तर्जुमा एक उसका यूं कर दें, अलैहि सलाम का पीस इज अपॉन हिम, उन पे है सलाम, तो फिर क्या आपको मसला है? आपका इतराज़ तो खत्म हो गया, कुरान में भी लिखा है सलाम अलैहि, ठीक है, हम भी कह रहे हैं उन पे है सलाम, अपॉन तो फिर हाँ ठीक है, ये मैं तो नहीं पीस उस इज पे अपॉन इतराज कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये कहना कि मे पीस बी अपॉन हिम,
तर्जुमा आप गलत तर्जुमा हम नहीं करते हैं, हम तर्जुमा कर देते हैं पीस इज अपॉन हिम, उन पे है सलाम। अबे बताएं क्या इस पे इतराज है, तर्जुमों में ना ना बोलते हैं आप ओरिजिनल। नहीं नहीं तो इतराज तो, इतराज तो उस पे तो है नहीं, मुझे तो इतराज इस चीज पे है कि जब हम कहते हैं पीस बी अपॉन हिम, हाँ जबकि अल्लाह ताला ने उनको पैदा ही जब किया, यहाँ तक लिखा पीस बी अपॉन, पीस इज ऑन मी द डे आई वाज बोर्न, द डे अल्लाह की तस्दीक कर रहे हैं, एंड द डे आई विल बी रेज्ड अप, हम अल्लाह की तस्दीक कर रहे हैं, हम उन पे कह रहे हैं कि उन पे है सलाम, हम अल्लाह की बात कॉल की तस्दीक कर रहे हैं हर बार उनका नाम लेके ईसा अलैहि सलाम कह के उसी उसी आयत की तस्दीक कर रहे हैं कि है उन पे सलाम, उसमें क्या मसला है ये कहने के बजाय पीस बी अपॉन हिम हम कहें पीस इज ऑन हिम, हम वो ठीक रहेगा। अंग्रेजी में कहते ही नहीं, हम तो अरबी में कहते हैं अलैहि सलाम पीस इज ऑन हिम, हम तो कहते ही हैं, हम तर्जुमे पे थोड़ी इन्हिसार करते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि आपको इसमें शिर्क नजर आ रहा है लेकिन आपको ट्रिनिटी में नहीं शिर्क नजर आ रहा। नहीं मैं तो जैसे अली रजा और ये जानते हैं कि मेरा जो है मुझे तो ट्रिनिटी में शिर्क का एलिमेंट है, लेकिन ट्रिनिटी बाय इटसेल्फ चीज है, लेकिन उसमें शिर्क का जो एलिमेंट आते हैं ना वो आता है जब वो कहते हैं ना ऑल थ्री आर इक्वल, अच्छा तो फिर उधर शिर्क आ जाता है। तो आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ ट्रिनिटी में जो हायरार्की जो है ना खुदा की, अच्छा। उसको बरकरार रखने का है। आपको पता है कि ये नजरिया कुफरी है, काउंसिल ऑफ निकेया के मुताबिक आप काफिर हैं क्रिश्चियनिटी के मुताबिक। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे उससे कोई इतराज नहीं है, मैं कोई मैं बता रहा हूँ कि जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है वो आपको क्रिश्चियनिटी से निकाल देंगे हायरार्की मानने के लिए। बात सुनिए, एक्सक्यूमिनिकेशन का मुझे कई दफा धमकी मिल चुकी है, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं वैसे आपको शायद पता हो, ठीक है आपको पहले से पता है, मैंने कहा जो हमारे ऑडियंस है उसको नहीं पता कि ये वाला व्यू है हायरार्की वाला ये निज़म से है, ये और जो नज़रियात ऐसे हैं इसको काउंसिल ऑफ निकेया में कॉन्स्टेंटिन ने से यानी बरगुजार किया था, उसमें इन नज़रियात को कुफिया करार दे के इन लोगों को क्रिश्चियनिटी से निकाल दिया गया था। ठीक है हाँ वो एरियस और सब की डिबेट जो जी जी इसकी बात कर रहे हो वो मैं जानता हूँ उसी जी। तो ये मैंने अच्छा मसीह मुस्लिम आप हजरत ईसा को मानते क्या हैं? मैं जी उनको मानता हूँ मसाया, वही सोर्स है अल्लाह ताला के पास जाने की, वही सोर्स है जब किसी का दिल, जैसे कुरान में लिखा है ना 57:27 God placed in the hearts of those who followed Jesus compassion and mercy. ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको जरिया बना दिया है। अब अल्लाह ताला जो है उन, जब हम कहते हैं बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम, कि अल्लाह ताला जो जो रहीम है उनको जानने का, उनका जानने का तब लोग तो ये नहीं कहते हैं मसीह भाई, आपके लोग तो कहते हैं बिस्मिल अब वल इब्न व रूहुल कुद्स, आपको नहीं पता मसीह बिस्मिल्लाह क्या है? क्या है आपको नहीं पता कि क्रिश्चियनिटी में तो ये नहीं कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? मैं तो क्रिश्चियनिटी, मैं तो दोनों मजहबों को हार्मोनाइज करने की कोशिश करने में लगा हूँ, ये नहीं कि मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि क्रिश्चियनिटी सही है और कुरान ये इस्लाम गलत है। अच्छा। मेरी ये है कि इन दोनों को हार्मोनाइज किया जा सकता है विद अंडरस्टैंडिंग, और हार्मनी जो है ना पिछले कितने सालों से लगे हुए हैं, यूएसए में ले लो कहीं भी ले लो हार्मनी की बात करते हैं। हार्मनी से आपकी मुराद थियोलॉजिकल मतलब differences को reconcile करना या exactly जब तक वो नहीं होगी तो बाकी जो है ना वो सब fake harmonies होंगी। तो ये तो मुश्किल है मसीह साहब, ये तो नहीं होने वाला कि आप अच्छा मसीह मुस्लिम आप यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं? देखिए खुदा का बेटा मानने में किस फिजिकल सेंस में बात कर रहे हो कि स्पिरिचुअल सेंस में? ये आप जो मानते हैं वो बता दीजिए जी। स्पिरिचुअल सेंस में मैं उनको खुदा का बेटा मानने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर फिजिकल सेंस में बात करोगे तो स्पिरिचुअल सेंस से क्या मुराद है आपकी? स्पिरिचुअल सेंस में ओके, यानी आप कह रहे हैं कि वो पाए आप वो नेक बंदे थे इसलिए वो खुदा के बेटे हैं, तो वो तो फिर यानी आदनामे कदीम में बहुत से लोगों को खुदा का बेटा कहा गया। हाँ हाँ उसमें कहा गया है, लेकिन मैं आपको इस्लाम का इम्तियाज कोई नहीं है, कहने का मकसद ये है यानी तौरात में जगह जगह पे लोगों को कहा गया ये अल्लाह का बेटा है। नहीं, मैं उस सिर्फ वो कहना, देखिए मैं आपको अभी उसके थ्रू समझाने लगा और फिर कुरान के थ्रू ही समझाऊंगा। पहला आदम जो था वो बना मिट्टी से, ठीक है, और जब मिट्टी से बना तैयार हो चुका था तब तक अल्लाह ताला ने उनको फरिश्तों को कोई किसी किस्म का कमांड नहीं दी थी, लेकिन जब अपनी रूह उसमें डाली तो सबको कहा इसको आके सजदा करो, ठीक है। अब वो ये नहीं कह रहे थे कि इस मिट्टी के पुतले को सिजदा करो, वो ये कह रहे थे मेरी रूह को आके सिजदा करो, लेकिन कोई समझा नहीं इस बात को,
ठीक है, और शैतान भी नहीं समझा, उसने कहा ओ मैं तो नहीं इसको सिजदा करता, ठीक है। दूसरे फरिश्तों ने किया, शैतान ने नहीं किया, क्योंकि वो रूह की बात जो है ना वो समझ नहीं पाया था। लेकिन हुआ क्या कि साथ में जब आदम को बनाया तो उसको फ्री विल फैक्टर भी दिया। जब टेम्प्टेड हुआ वो और जब उसने फल खाया तो वो खुदा की रूह जो कि एक पाक जिस्म में ही रह सकती है वो उससे डिपार्ट कर गई। और क्या हुआ कि फिर द सेकेंड एडम, जिसको इवन बाइबल कहती है, किसको कहती है सेकेंड एडम? हजरत ईसा को। वाई? क्योंकि कुरान में लिखा है ही वॉज बॉर्न बाय द पावर ऑफ गॉड्स वर्ड एंड स्पिरिट। सिर्फ एक शख्स दुनिया में गुजरा हु वॉज बॉर्न बाय द एडम, एडम वॉज मेड विथ बट हु वॉज बॉर्न बाय द पावर ऑफ गॉड एंड स्पिरिट, कोई और हुआ है सिवाय हजरत ईसा के, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब क्या है, और वो जबकि फर्स्ट एडम वो अनफेथफुल रहा क्योंकि उसने वो फल खा लिया, सेकंड एडम पॉइंट पे आए आप, हमें पता है सारा वाकया। हाँ हाँ, तो मैं पॉइंट पे तो आ रहा हूँ जी, पॉइंट पे। तो सेकंड एडम जो है वो फेथफुल रहा मरने की हद तक, फेथफुल इसलिए कहा मरने की हद तक वफादार रहे तो तू जिंदगी का ताज पाएगा, क्योंकि यू हैव टू। और क्या है, अब पाक रूह जो है अल्लाह ताला ने जो पहले आदम में डाली थी वो अब किस में करती है, इस हजरत ईसा में है वो, क्योंकि वो पाक रहे। तो ये समझने की चीज़ है जी आपकी, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये कुरान इसको वेरीफाई करता है अपनी आयतों में। इसलिए वो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आता है, क्योंकि अल्लाह ताला की रूह जब इंसान में आ जाए तो वो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट बनता है। लेकिन ये कहना कि अल्लाह की रूह इंसान में आ जाती है, नहीं, इंसान में हजरत ईसा की बात हो रही है यहाँ पे। चले हजरत ईसा में अल्लाह की रूह आ जाती है, अल्लाह तो किसकी रूह होगी फिर, क्या शैतान की रूह थी? अल्लाह की रूह से क्या मुराद है आपकी, अल्लाह की अपनी जात हुलूल कर जाती है, या क्या आप कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, अल्लाह की रूह जब, अल्लाह जब कम्युनिकेट करता है दुनिया से, हमने तो किसी, आपने अल्लाह को देखा है? किसी ने अल्लाह को नहीं देखा। अल्लाह जब अपने आप बंदों के साथ कम्युनिकेट करता है उसने एक जरिया बनाया हुआ है, वो जरिया क्या है, उसकी रूह है। नहीं, वो रूह मखलूक है क्या है ये बताएं ना पहले। जी जी, वो रूह मखलूक है या नहीं? वो अल्लाह की जात में से निकली हुई है, मखलूक कह लो उसको, मतलब उसने डाली हुई है, जाहिर है, यानी अल्लाह में से सादिर हुई है, अभी कह रहे हैं। जी जी, अल्लाह से सादिर हुई है। तो आपको नहीं लगता ये शिर्क है? नहीं, शिर्क कैसे हो गया, जब अल्लाह लिखा हुआ है ना, गॉड पुट हिज स्पिरिट, अल्लाह के अंदर से एक चीज, एक जुज उसका सादिर हो रहा है, निकल रहा है, पूरा इखलास के मुकम्मल खिलाफ, लम यलिद वलम युलद, ना उसने किसी को जना है ना वो जना गया, यानी ना उसमें से कोई सादिर हुआ है ना वो किसी में से सादिर हुआ है। देखिए, ये जो जना गया है ना, ये आया जब, ये जो है ना पेगन अरब्स, जिनको स्पिरिचुअलिटी का बिल्कुल कुछ इलम नहीं था, जब उनको यदात, उनको ये था कि ओह कैसे हो सकता है, तो वो एक फिजिकल रिलेशन की बात कर रहे हैं, जब ना जना गया वो उसको कंडेम कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, फिजिकल रिलेशन की क्रिश्चियनिटी की बात हो रही है यहाँ पे, क्रिश्चियनिटी का रद्द है इसमें। गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरा ख्याल उससे शायद मामला थोड़ा सा आसान हो जाए, अगर आप इजाजत दें तो। प्लीज प्लीज गो अहेड। अच्छा मसीही भाई, हम ये कहते हैं कि ये टर्म ही गलत है जिसकी वजह से ऐसे मुगालते पड़ते हैं, और ये टर्म खुदा की तरफ से नहीं आई। हम ये कहते हैं कि खुदा का जो, खुदा की इबादत करने वाला जो बंदा होता है वो अब्द होता है, ना कि बेटा। अब मसीह अलैहिस्सलाम इबादत करते थे या नहीं करते थे? क्या फरमाया? मसीह अलैहिस्सलाम किसी की वर्शिप करते थे या नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। जो वर्शिप करे उसको हम बेटा नहीं कहते, अब्द कहते हैं, बंदा कहते हैं। और मसीह अलैहिस्सलाम ने अब्द होने का सबूत इबादत करके दिया है। तो क्या मसला है, क्या आपको प्रॉब्लम है कि अब्द को बेटा बनाना है जबकि अब्द साबित है? देखिए बात सुने, बेटा जो है आपको क्यों उसमें फिजिकल एक्ट में फंसे हुए हो यार? मैं कह रहा हूँ जरूरत क्या है, जब वो बंदे हैं इबादत कर रहे हैं तो बेटा कहने की जरूरत क्या है?
खुदा की रूह जब पहले आदम में डाली, वो क्योंकि वो प्योर जिस्म नहीं रहा फल खा के, उसने खुदा यार वो छोड़ दें यार, वो प्योर जिस्म नहीं रहा, वो कहानी ना सुनाए। अल्लाह मैंने ये पूछा है कि जो जो इबादत करता है वो अब्द होगा या नहीं होगा? जो इबादत करेगा वो अब्द होगा, जाहिर है वो इंसान है, वो कोई तो फिर उसको बेटा क्यों कहना है जब वो अब्द साबित हो गया अपने एक्ट से, तो आप उसको अब्द कहें? उसकी फजीलत अब्द कहने में है, अब्द होने में है, तो ही तो वो रिएक्ट कर रहा है अब्द की तरह, तो ही तो वो इबादत कर रहा है। तो उसकी इबादत देखते हुए आपको क्यों लगता है कि उनको बेटा कहना चाहिए? हम ये कह रहे हैं, हमारी बात तो समझ लें, आप सुनते नहीं है तो समझेंगे क्या? हम ये अर्ज कर रहे हैं, अशदक भाई भी अर्ज कर रहे हैं कि यार ये टर्म ठीक नहीं है, इसको स्पिरिचुअल मानों में ले या इसको आप फिजिकल मानों में ले, जरूरत क्या है, क्या जरूरत पेश आ गई है इस टर्म को इस्तेमाल करने की, जबकि वेल स्टैंडर्ड हमारे सामने एक चीज मौजूद है कि एक माबूद है एक अब्द है। ये दो की बजाय अपने तीसरी टर्म बीच में डाल के लेना क्या है, उससे फायदा क्या हो रहा है? आप उसमें रूहानियत को घुसा रहे हैं, उस रूहानियत को घुसा के आपने बेटा बना लिया, अब बेटा बना के क्या मिला है, क्या मुझे बताएं कि आपको मिला क्या है? बेटा भी कहने फिर वो अब्द का अब्द है, तो आपने इस बेटे वाली टर्म ला के कौन सी हमारे ऊपर आपने राज अफशा कर दिया है कि भाई ये देखें जी हमने बेटा का इसे ये फायदा होता है। मैं बोलूं? जी जी बोलिए। ठीक है, अब ये है कि दुनिया में तीन चार किस्म के रिलेशंस हैं, लेट्स टॉक ऑफ जस्ट टू। एक रिलेशन है जो एक माँ बाप बेटे का होता है, बाप का होता है, माँ का होता है, बेटे का होता है, बेटी का होता है, और एक रिलेशन है जो गुलाम का होता है और मास्टर का होता है। ठीक है, हमारा जो रिलेशन है वो खुदा से प्रोजेक्ट किया गया इस्लाम में गुलाम का और एक मास्टर का। ठीक है, ये सही बात है कि नहीं? गलत नहीं, गलत बात कर रहे हैं। जो बात आपसे पूछी है ना, आप ये टर्म का बताएं हमें। मैं उसी टर्म की तरफ जा रहा हूँ, आप इस रिलेशन क्या ये गुलाम और मास्टर का रिलेशन है कि नहीं है? गुलाम और मास्टर का रिलेशन किस सेंस में? अल्लाह ताला के साथ इंसान का जो रिलेशन है वो क्या है? वो ये है कि इंसान जो है वो मखलूक है, खालिक और मखलूक, खुदा की इताअत हम पे वाजिब है, सारी चीजें ही मखलूक हैं, खुदा की हम इंसान की बात कर रहे हैं कि इंसान मखलूक है, इंसान भी मखलूक है, खुदा का भी मखलूक, और साथ में अब्द है। इंसान जो है वो मुती है जी, अब्द और रब, अब्द और रब का ताल्लुक है, वो पालने वाला है, हम उसकी इताअत करने वाले हैं, उसकी बंदगी करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर हम वो हमें बनाने, उसने दुनिया बनाई भी है, लेकिन इंसान का जो रिलेशन जो उसने इंसान को किस मकसद से बनाया था ये चलें बता दें मुझे। वो उन्होंने इस मकसद से बनाया था कि एक दफा मसीही भाई आएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि भाई इस टर्म को इस्तेमाल करने का फायदा बताइए, तो वो कहेंगे, ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे कि मकसद क्या है। यार कैसी बातें कर रही हैं आप, मसीही भाई आपसे पूछा क्या? एक मिनट रुक जाएं, एक मिनट मुझे बताएं मेरा सवाल क्या था जिसका आपने ये जवाब दिया। मैं उसका जवाब ही तो दे रहा था लेकिन तुमने बीच में इंटरफेयर किया। आप हमें बेटे टर्म की फिलॉसफी समझाएं और बताएं, फायदा बताएं क्या हुआ है जब अब्द और माबूद, माबूद और अब्द की अब्द का रिलेशन मौजूद है और मसीह अलैहिस्सलाम अब्द हैं, आपने उनको बेटा कह के अब क्या लेना है वो बताएं, फायदा तो बताएं। मैं अब बोल रहा हूं तो इंटरफेयर नहीं करना प्लीज, मुझे कंप्लीट कर दे देना प्लीज। अब ये है कि दो, एक है गुलाम और मास्टर का रिलेशन। जो गुलाम है वो अपने मास्टर के लिए दो रीजन से काम करता है, वो एक रीजन ये है लालच कि कुछ मिलेगा मुझे, और एक दूसरा है, पहला बल्कि यूं है कि फियर, और दूसरा है लालच, फियर और लालच से। अल्लाह ताला हम नहीं चाहता कि इंसान जो है वो किसी फियर की वजह से उसके पास आए या लालच की वजह से आए। और बाप और बेटे का क्या रिलेशन होता है कि वो बाप बेटा जो है वो फियर से नहीं बल्कि प्यार के रिलेशन में आता है एक दूसरे के पास। ठीक है, और जो है हजरत ईसा जो हैं जब बेटा कहते हैं तो उस रिलेशन को जाहिर करते हैं। ये फायदा आप, आप देखिए आप इंटरफेयर कर रहे हैं, इंसानियत का क्या फायदा है जी, इसमें इंसानियत का क्या फायदा है? इंसानियत का ये फायदा कि आप जो करो फियर से नहीं करो और लालच से करो। इस्लाम में ये चीज पहले ही आपको पता ही नहीं है, नजब लगा में इमाम अली अलैहिस्सलाम का है। ठीक है, इस तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, हजरत अली वगैरह का आप जिक्र कर रहे हो जिनका कुरान में जिक्र भी नहीं है, तो क्या हुआ कुरान में नहीं है जिक्र? अगर इस्लाम क्या सिर्फ कुरान में मुकय्यद है? कुरान में, एक मिनट, कुरान में मैं
बताता हूँ, नहीं कुरान में जो है, मैं जरा ये कहता हूँ, सूरह मरियम तो माबूद का आपकी आवाज कट बयान कर रहे हैं ना के हुई है आवाज साफ हुई है मेरी, आवाज आपकी सुनी नहीं है सर, आई नहीं आवाज मैं अभी ठीक समझ, अभी ठीक हुई है आवाज जी, अब बोले दोबारा, नहीं रामा साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही, जो मुझे समझ आई है वो कह रहे हैं कि कुरान में आता है कि ईसा अलैहि सलाम के हवाले में फरमाते हैं कि इन्नी अब्दुल्लाह आतानी व जअलनी नबी, वो खुद आप कह रहे हैं खुद को, तो आप क्या कहेंगे आप मसीह साहब, वो तो खुद को जो है गुलाम कह रहे हैं आप। देखिए वो तो खत्म ही करने आए थे इस गुलाम और जो है ना उसका कॉन्सेप्ट को, लेकिन ये जो है ये ख़त्म इस्लाम में ये ख़त्म होनी चाहिए कि हमारा जो खुदा से रिश्ता है वो गुलाम और मासूम नहीं है, वो बाप और बेटे का है। नहीं बाप बेटे का नहीं है, देखें मैं आपको बता रहा था कि नहज बलागा में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि इबादत करने वाले तीन तरह के हैं, ठीक है, कुछ लोग खुदा की इबादत करते हैं डर से, उसकी उसके डर से, उसके अजाब के डर से, ये गुलामों की इबादत है पहली किस्म। दूसरी किस्म वो लोग हैं जो खुदा की इबादत करते हैं जन्नत की लालच में, ये ताजिरों की इबादत है, ठीक है। तीसरी किस्म वो लोग जो अल्लाह की इबादत करते हैं क्योंकि वो लायक इबादत है, लायक इबादत व मोहब्बत है, ये आज़ाद लोगों की इबादत है, ठीक है। ये दर्जात दर्जा बंदी है, पहले इस्लाम में मौजूद है, इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम से भी इसी तरह की एक हदीस है। तो कहने का मकसद है आप कोई नई चीज़ लाए नहीं रहे, भी पहले इस्लाम में है ये कॉन्सेप्ट। मैं तो नई चीज नहीं ला रहा, मैं किधर से नई चीज ला रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। मसीह भाई, मसीह भाई आपकी एक और चीज आपकी क्लियर कर दूं जी, एक और चीज आपकी क्लियर कर दूं, मसीही भाई अगर कोई डर के अच्छा काम करता है ना, डर के ही सही, उसने अच्छा काम किया तो ये कोई बुरी बात नहीं है, और अगर किसी ने खौफ से अच्छा काम किया कि भाई मैं नहीं करूंगा तो मुझे कोई सजा मिल जाएगी, तो भी कोई मसला नहीं, उसको अजर मिलेगा। खौफ और डर बजाते खुद ये दो चीजें, इनका पॉजिटिव नतीजा निकलता है। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रैफिक राइट्स हैं, लोग नहीं क्रॉस करते, कई लोग इस वजह से क्रॉस नहीं करते कि हमें चलान हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं यार कहीं हादसा ना पेश हो जाए, वही जो तीन चीजें तीन बातें सैयद अली असद नकवी साहब ने रखी हैं, कुछ लालच की वजह से कुछ खौफ की वजह से, लेकिन काम तीनों एक ही कर रहे हैं, उसमें उनको अजर के हिसाब से थोड़ा बहुत कमी बेशी हो सकती है, लेकिन तीनों ने अमल किया उस चीज के ऊपर, खौफ से भी लालच से भी और आजादी से भी, तीनों अच्छे काम हैं, तीनों नेकियां हैं, तीनों इसके लिए, लेकिन दर्जा क्या अलग है। हाँ, इससे बेटा बनाने वाली लॉजिक कहाँ आ गई आपकी भाई, कि क्योंकि अब ये दो चीजें डर और खौफ है इसलिए बेटा बना दो, ये कौन सा लॉजिक है भैया, कब निकलोगे अपने फिजिकल कॉन्सेप्ट से, बेटे का रिश्ता जो है दुनिया में, मैं कह रहा हूँ स्पिरिचुअल की भी कर रहा हूँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ यार, कंप्लीट तो करने दी करो बात। देखे इन्होंने जो तीन बताए हमें रिलेशन, पहले फियर वाला, दूसरा और तीसरा जो है, वो आप अगर दुनिया में देखो तो वो रिलेशन किस में, इंसान औलाद और बाप बेटे के रिश्ते में मिलता है, माँ बेटे के रिश्ते में मिलता है, माँ बेटी के रिश्ते में मिलता है, बाप बेटी के रिश्ते में मिलता है। भाई क्या साथ कर रहे हैं आप खुद से, दीन के आस से नहीं चलता। देखें ये चीजें ये मिसालें होती हैं समझाने के लिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप वही नाम जो है उस रिलेशन को दे दें। यार आपको प्रॉब्लम क्या है बेटा कहने में, मौजूद है खुदा, प्रॉब्लम क्या है मुझे ये बताएं, बेटा कहने में क्या प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम अब कहने में क्या है, एक अब्द को बेटा बनाने की जरूरत क्या है, जब अब्द वो इंसान, देखो एक चीज मैं बताऊं अली रजा, जब हजरत ही इज द ओनली वन टू बी बोर्न विद आउट मेल स्पर्म, आदम अलैहि सलाम उससे भी अफजल थे, he was born, born की बात कर रहा हूं, बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी पैदा होने, हाँ हजरत आदम अलैहि सलाम तो उनसे भी अफजल हुए और वो आपने बना हुआ है, आदम अलैहि सलाम, अच्छा बाप अफजल होता है कि बेटा, अच्छा नहीं करता, बाप अफजल होता है कि बेटा, ऑफ कोर्स बाप अफजल होता है, तो मसीह अलैहि सलाम कहते हैं आदम मेरा बाप है, कितनी बार उन्होंने कहा है, तो अब वो मसीह अलैहिस्सलाम को बाप कहते हैं, आप उसकी तोहीन करते हैं यार, कितने अफसोस की बात है यार,
باپ مان رہے ہیں مسیح علیہ السلام, وہ کس نسبت سے مان رہے ہیں, روحانی سے کہ جسمانی سے؟ روحانی, روحانی ٹھیک ہے. اچھا روحانی نسبت سے مان رہے ہیں. اب یہ بات تو سن لو یار, مجھے بھی کرنا. نہیں 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 سن لی ہے بات, بات سن لی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ مسیح علیہ السلام نے کہا باپ افضل ہوتا ہے, تو مسیح علیہ السلام کے باپ ہیں آدم علیہ السلام, کیونکہ مسیح نے خود فرمایا. نہیں 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 ان کے باپ آدم نہیں ہے, ان کے باپ آدم نہیں ہے, بالکل نہیں. اچھا بائبل سے انکار کر دیں, بائبل کی انکار آپ اور میں ہیں. ابن آدم جب بات کر رہے ہو, جب وہ ابن آدم کہتے ہیں تو وہ کس کا کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ جب وہ کہتے ہیں ابن آدم کہتے ہیں, ہی از ناٹ فرام دی سپرم آف آدم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لیکن جب وہ ابن آدم کہتے ہیں تو کس کو کہتے ہیں؟ جی جی علامہ صاحب بولیے. جی جی میں ایک چیز اس میں ایڈ کرتا ہوں, وہ جناب مریم کی بیٹے ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہیں, بالکل ہیں. اور جناب مریم حضرت آدم کی بیٹی ہیں یا نہیں ہیں؟ جی جی ہیں, بالکل ہیں. تو جو ریلیشن آپ بتا رہے ہیں اس کی حساب سے اگر دیکھیں تو جناب عیسیٰ پھر بیٹے بنتے ہیں جناب آدم کے یا نہیں؟ ہاں اس حساب سے تو بنتے ہیں. ٹھیک ہے وہ میں, لیکن میں ایک چیز سمجھا دوں, بن بیٹے ہیں پر آدم کے. ٹھیک وہ اسی نسبت سے کہتے ہیں سر ابن آدم. اچھا میں ابھی آپ ایک مریم کے بیٹے. ہاں ٹھیک ہے آپ نے مریم کی بات اٹھائی, حضرت مریم کی بات میں آپ سے کہتا ہوں. ایک بڑی اچھی چیز لکھی ہوئی قرآن میں جو کہ بائبل میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے, لکھا ہوا ہے اللہ تعالی چوز ہر اینڈ پیوریف فائی آل آف دی نیشن. حضرت مریم کو پورے جہاں کی عورتوں پہ فضیلت دیا, بالکل قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کی بائبل میں نہیں ملے گی. جی قرآن نے زیادہ مطلب بیان کیا مریم سلام اللہ علیہ. لیکن اس سے آپ نتیجہ کیا لینا چاہتے ہیں؟ اس میں نتیجہ کیا لیں گے اس کا؟ یہی ابن اللہ کا ہی کوئی نکالنا چاہ رہے ہوں گے, اور کیا ہوگا. نہیں ابن اللہ تو نکال نہیں سکتے, ابھی وہ مانے ہیں کہ آدم کی اولاد ہے, ابن اللہ تو اب نہیں بنے گا. چلیں میرا خیال ہے ان کا نیٹ میں کوئی ایشو ہے. جی ویسے ٹائم بھی کافی ہو گیا اور کالر بھی موجود ہیں. جی 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 ان کے نیٹ میں جو ہے وہ میں. جی علامہ صاحب آپ ضرور مطلب سننے والوں کے آواز میری آ رہی ہے نا؟ جی 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 دیکھیں ایک میں نے چیز عرض کی تھی, دیکھیں یہ بعض اوقات ظاہر سی بات ہے انسان بہت ساری چیزوں کو اپنے ماحول میں موجود سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے, بعض ہماری روایات میں اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ خدا کا اپنی مخلوق سے کس طریقے کا ریلیشن ہے اور کتنی محبت کرتا ہے, اس کو تشبیہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی ماں کی محبت دیکھی ہے, سب کہتے ہیں ہاں محبت ہے. وہ کہتے ہیں کہ کتنی زیادہ محبت ہے, وہ یہ ہے کہ ماں جو ہے وہ ہر چیز قربان کر دیتی ہے اپنے بچے پہ. تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ جو ہے وہ اپنی ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے. اب یہ جو اگر یہ فارمولا جو مسیح مسلم صاحب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اس کو اگر فٹ کیا جائے تو پھر یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ خدا جو ہے وہ ماں ہے اور ہم پھر ان کے سارے انسان جو ہیں اس کے بیٹے بن جائیں گے. سمجھانے کے لیے, ریلیشن سمجھانے کے لیے جب مثال دی جاتی ہے اس ریلیشن کا نام نہیں رکھا جاتا اس کے اوپر. تو یہ آپ یہ سمجھانے کے لیے کہ خدا اور مخلوق کا آپس میں رابطہ کیا ہے اس کو باپ اور بیٹے کی مثال لے کر آ رہا ہے. چلے آپ ریلیشن سمجھانے کے لیے اگر مثال لانا بھی چاہتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نہیں بنتا کہ بس خدا باپ ہے اور مخلوق بیٹا ہے. یہاں پر پھر یہ نام نہیں دے سکتے, ٹرم استعمال نہیں کر سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے پر شفیق ہوتا ہے, شفقت کرتا ہے, محبت کرتا ہے, اس کے لیے سب کچھ جو ہے وہ فراہم کرتا ہے, خدا جو ہے وہ باپ آواز نہیں آ رہی جو اپنا ہے وہ آ گئی تھی. آواز آ گئی میری؟
जी जी अब आ रही है अलामा साहब, अब आ रही है। जी जी नहीं आवाज नहीं आ रही, आ गई थी तो मैं ऐसे था कर रहे हैं काट रहा हूं, लेकिन फिर भी आवाज आ रही है मेरी, बार बार कॉल आ रही थी बीच में। आप बोलिए। जी जी मैं आज कर रहा था रिलेशन को समझाने के लिए जो मिसाल दी जाती है वो मिसाल समझने, रिलेशन समझने के लिए होती है, ना कि वो पूरी की पूरी मिसाल उठाकर एक टर्म बना दी जाए कि चूंकि जो एक रिलेशन है शफकत का, मोहब्बत का, प्यार का, ये सारी चीजें ये खालिक और मखलूक के दरमियान इससे कहीं बेटर है, बस हम कह दें कि अल्लाह जनाब ईसा को आप कह दें। मिसाल समझाने के लिए होती है और मिसाल में फकत एक जहत मद्देनजर होती है, जिस तरह मसलन हम समझे कि इंसान का मतलब ये नहीं होता कि आप कहें कि आवाज आती जा रही है आपकी यार, 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 नेट में थोड़ा सा, अब बोलिए शायद आप क्लियर। जी जी बात कहाँ पे तकरीबन कट रही है समझ, आपको दोबारा बोलना पड़ेगा। बिल्कुल आवाज क्लियर नहीं हुई कहीं भी। मफहूम जो आपने बयान फरमाया ना वो समझ आ गई है कि अगर रिलेशन की बुनियाद पे आप ये एग्जांपल के तौर पे कह लें तो इसको टर्म के तौर पे यूज नहीं कर सकते, आप एग्जांपल के तौर पे ये बात बयान कर सकते हैं कि जिस तरह बाप शफीक होता है उस तरह जो खुदा है वो भी शफीक है, लेकिन आप बाप कहें कि वो है ही बाप और आप है ही बेटे, ये टर्म आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर अली भाई ये शफीक का मतलब आप ये लेंगे तो फिर बिल्कुल बड़ा आगे बहुत बड़ा मसला बन जाएगा आगे, क्योंकि फिर उसी शफीक ने फिर उसको मेरा मतलब है स्लीप पे भी उतार दिया, फिर उस वक्त फिर शफीकपन कहाँ गया सर, मसला आ जाएगा सर।